खबर 5 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक में आग लग गई है। चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। महाराष्ट्र से हरिद्वार जा रहा था ये ट्रक, शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रक पे आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाना महावन के माइलस्टोन 117 की एक घटना बताई जा रही है। तो उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से धू धू कर जलता हुआ ये ट्रक इस एक्सप्रेसवे पर नजर आ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे है जहां पर ट्रक पे आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जो बस में सवार थे चालक और परिचालक, उन्होंने ट्रक से कूदकर फिर अपनी जान बचाई। ये काले धुएं का गुब्बार इन तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा है वो इस बात की तस्दीक करता है। देखिए किस तरह से पूरे ट्रक को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया है और पूरे ट्रक को जलाकर राख करने पर ये आग आमदा है। चालक और परिचालक जो इस ट्रक के अंदर मौजूद थे, उन्होंने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र से हरिद्वार जा रहा था ये ट्रक, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है। थाना महावन के माइलस्टोन 117 की घटना बताई जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। मथुरा से सीधी तस्वीरें देखिए, जहां यमुना एक्सप्रेसवे में ट्रक पे आग लग गई। बदायूं में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमणकारियों में इस वजह से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने बुलडोजर को चलाया है अतिक्रमणकारियों पर और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इंदिरा चौक से कश्मीरी चौक तक अतिक्रमण किया गया था, जिस पर बाबा का ये बुलडोजर चला है, ये पीला पंजा अपना काम करता नजर आया है। तो ये वही की तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। बदायूं में अतिक्रमण पर जहां बाबा के बुलडोजर ने अपना काम किया है, अतिक्रमणकारियों में इस वजह से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने के बुलडोजर ने अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इंदिरा चौक से लेकर कश्मीरी चौक तक इन अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था, अतिक्रमण कर रखा था और अब प्रशासन का ये बुलडोजर इन अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण पर चलता इन तस्वीरों में कैद हुआ है। तो बदायूं से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कब्जे को ध्वस्त किया गया है, जो अतिक्रमण किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। बिजनौर में बीबीए छात्र की हत्या का मामला, उसी से जुड़ी ये खबर। हत्या के आरोपियों के